हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी हम मौजूद हैं गया डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपथ टेंपल के पास में। गया, अगर आप पटना से आ रहे हैं तो पटना से पहले आइए गया, गया से गया जंक्शन के पास से आपको यहाँ आने का लगभग 20 या 25 रुपये भाड़ा है विष्णुपथ टेंपल के पास। तो यहाँ पे यहाँ का मान्यता है विष्णुपथ टेंपल काफ़ी है, हिंदू धर्म में काफ़ी पुराना ये मंदिर है। चलिए आप लोगों को घुमाते हैं, यहाँ का मंदिर पूरा दिखाएंगे ब्लॉग में, आप लोग बने रहिएगा। और ये मंदिर का मान्यता है यहाँ पे विष्णु जी की मूर्तियाँ मिलेंगी और विष्णु जी के पैर का छाप है, उसका पूजा किया जाता है। पैर का छाप कैसे कैसे हुआ है वो सब आप लोगों को आगे कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए बने रहिए। ये विष्णुपथ टेम्पल फल्गु नदी के किनारे में स्थित है, जो वहाँ नदी के पास भी लेकर के चलेंगे, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए आप लोगों को पूरा दिखाते हैं। ये रहा यहाँ का कुछ व्यू है, चलिए अंदर लेकर के चलते हैं, फिर आप लोगों से वहाँ मिलते हैं। तो यह मंदिर काफ़ी पुराना है, हिंदू धर्म के लिए सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास में बहुत पुराने पुराने मंदिर है। तो उस पुराने मंदिर में से सबसे पुराना ये भी मंदिर है, जो अहिल्या बाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ विष्णुपथ मंदिर गया धाम के नाम से भी जाया जाता है, यहाँ पे पिंडदान वगैरह भी होता है यहाँ पे। चलिए आगे कंटिन्यू बने रहिए, फिर आप लोगों से आगे चल करके मिलते हैं और पूरा दिखाते हैं, एक एक चीज़ यहाँ के बारे में बताएंगे, पूरा कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। चलिए पहले अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये है गाइस गया धाम मंदिर के मुख्य द्वार, जहाँ पे शायद मोबाइल तो अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है, ये मोबाइल अंदर जमा कर जमा बाहर ही जमा ले रहे हैं। बट चलिए देखते हैं आप लोगों को एक एक चीज बताएंगे अपना। दर्शनीय एवं गया पल मंदिर कृपया मास्क, वो तो कोरोना के टाइम का विष्णुपद देवी का अंदर में, इसके अंदर फोन लेकर नहीं जाना है, क्योंकि फोन के लिए अलग यहाँ पे काउंटर बनाया गया है। पहले तो उसके अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है, देख सकते हैं। फिर भी अपना मोबाइल काउंटर के अंदर में जमा कर देते, यहाँ पे जमा करके फिर मुझे अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ भैया फोन यहाँ पे जमा करना पड़ेगा ना, फोन जमा करना पड़ेगा, फिर एक क्या टोकन वगैरह मिलेगा, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। देख सकते किसी तरीके का यहाँ पे है। विष्णुपथ मंदिर के अंदर से तो घूम करके आ गए, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल का अलाउड नहीं था, फोन अलाउ नहीं था, फोन के लिए तो अलग से काउंटर बना हुआ था, तो फोन वहाँ पे डाल दिए हैं, उसके बाद फिर मंदिर के अंदर में। तो काफ़ी वाकई में यार काफ़ी पुराना मंदिर है वो, तो मुझे देखने के बाद लगा कि हजारों हजार साल पुराना मंदिर, हजारों हजार साल पुराना मंदिर है वो जो पूरा मंदिर जो बना हुआ है पूरा पत्थर का ही है वो, मतलब जितना आप लोगों को दिखाए हैं वो सारा पत्थर का ही मंदिर है ये सब। और वहाँ पे जाने के बाद मतलब जो भी कार्यक्रम श्राद्ध का जो भी कार्यक्रम होता है ना, जैसे पिंडदान वगैरह होता है, सारा कुछ वहीं पे होता है। बहुत सारा देखे थे अंदर में, मतलब पिंडदान वगैरह हो रहा था, वो सब तो अंदर में फोन अलाउड नहीं था, बाकी नहीं तो आप लोगों को दिखाते। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था और काफ़ी खूबसूरत वो मंदिर भी हमें देखने को मिला। अभी हम जिस जगह पे हैं वहाँ से मंदिर के पास से तो निकल करके आ गए हैं बाहर में, और अभी जिस जगह पे हैं वो है फल्गु नदी, क्योंकि ये विष्णुपथ टेम्पल जिस मंदिर जिस नदी के पास में है वो है फल्गु नदी। तो ये है यहाँ गया फल्गु नदी के किनारे में बसा हुआ है, और विष्णुपथ टेम्पल भी फल्गु नदी के किनारे है। तो चलिए ये है यहाँ का कुछ व्यू है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, और यही है वो मंदिर। जाने के बाद तो मुझे इतना ऐसा लग रहा था ना, मतलब कितना पुराना मंदिर है। इतिहास में काफ़ी मंदिरों को मैंने देखा है, मतलब देखा है और देखते जा रहे हैं, उसमें से एक प्राचीन मंदिर मिला जो गया का विष्णुपथ टेम्पल है। ये मंदिर तो काफ़ी आप लोगों को मतलब पिंडदान वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ यहाँ पर होता है, जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद पिंडदान का जो भी सिलसिला होता है वो सब यहीं पर पूरा किया जाता है। तो चलिए आप लोगों को पूरा घुमाएंगे, कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे पुराना है और यहाँ पे पहाड़, मतलब पूरा चीज़ पहाड़ के बाद हजारों हजार साल, जैसे उनके अंदर में कुछ पंडित जी लोग थे, उनसे बात किए तो वो भी बता रहे थे कि हाँ काफ़ी पुराना मंदिर है, यह अहिल्या बाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये मंदिर तो विष्णु जी गयासुर नाम के राक्षस थे, जैसे आप लोगों को बताया कि गयासुर नाम के राक्षस थे, उनके पास काफ़ी तपस्या करने के बाद उनको कुछ बल की प्राप्ति हो गई, तो बल की प्राप्ति होने के बाद तो कुछ छल बल करते थे, लोगों के साथ में कुछ गलत अत्याचार किए, तो उसी से विष्णु जी अपने पैर से जो उसको दबा दिए थे वही मंदिर वो जो पूरा ये बन गया था, दाग जो बन गया पैर का दाग। तो वही मंदिर के अंदर में जाइएगा तो कुछ नहीं है, मतलब खास विष्णु जी का जो पैर का दाग बना था जो दबाने के बाद गयासुर नाम के राक्षस को दबाने के बाद, तो वही दाग यहाँ पे दिखाई देगा। उसके साइड साइड में पूरा मस्त सजावट किया हुआ रहता है, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर एक फ़ोटो लगा देंगे। अंदर में तो कुछ शूट करने का मौका मिला नहीं, मुझे फ़ोन तो ले जाना है था ही नहीं, बट कोई बात नहीं,
चलिए आप लोगों को फल्गु नदी पूरा दिखाते हैं, वहाँ पे एक पुल भी बना हुआ है, वो पुल शायद कौन सा पुल है बताते हैं आप लोगों को, चलिए बने रहिएगा, चलिए आगे कंटिन्यू बने रहिए, आप लोगों से मिलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे श्राद्ध का कार्यक्रम भी जो है ना, श्राद्ध यहाँ पे भी होते रहता है, देख सकते हैं ये नदी के किनारे, यहाँ पे मतलब रोज पर डे हजारों हजार की संख्या में लोग आते रहते हैं। कि मैंने भी देखा है पहले, हम लोग के भी जो पूर्वज थे उन लोगों का भी पिंडदान यहीं पे हुआ था गया में, क्योंकि गया प्रसिद्ध जगह है पिंडदान के लिए, तो हम लोग के भी जैसे दादाजी लोग ये थे, दादी ये लोगों का पिंडदान भी यहीं पे हुआ था। सो गाइस जब भी हम जिस जगह पे हैं वो है गया का फल्गु नदी, यहाँ पे होता है पिंडदान, पिंडदान होता है जो पूर्वजों लोग डेट कर जाते हैं उनके पास यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। तो हम भी सोचे कि यहाँ पे आकर के घूम लेते हैं, क्योंकि मेरे दादा दादी सब लोगों का पिंडदान यहीं पे हुआ है, तो सोचे कि जाते आए हुए हैं तो थोड़ा सा मिल लेते हैं, बट यार पूरा खोज लिए कहीं नहीं मिल रहे हैं, वो लोग गया में ही पिंडदान हुआ था तो यहीं पे होंगे ना कहीं, आज से 10-15 साल पहले डेट किए थे तो सोचे कि आए हुए हैं तो थोड़ा सा मिल लेते हैं, बट कहीं खोज लिए यार, इस साल चारों साइड खोज लिए कहीं नहीं मिल रहे हैं वो लोग, एक बार अपने पोते से तो मिल लेना चाहिए था, इतना दूर से आया है पोता घूमने के लिए, कोई ना मिस यू। और ये रहा घाट का कुछ व्यू यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग फल्गु नदी के किनारे ये जो डैम दिखाई दे रहा है इसी का नाम है ये गया जी डैम जल संसाधन विभाग बिहार, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा करके रखा हुआ है गया जी डैम बिहार, और इसे रबर डैम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कुछ दिन पहले आज से कुछ दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा ये रबर डैम का उद्घाटन किया गया। तो चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं ये रबर डैम आखिर नाम इसका क्यों पड़ा यार, कोई होगा तो कोई कमेंट में बताना, तो अगर गया से जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग बताना जरूर कमेंट में कि ये डैम का नाम आखिर रबर डैम क्यों पड़ा है। चलिए लेकर के चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आखिर ये कैसा है और किस तरीके खूबसूरत दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, चलिए लेकर चलते हैं ऊपर आप लोगों को।